गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कागान में सुबह का नज़ारे कुछ इस तरह है। खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे हम लोगों ने रात गुजारी। बहुत ही पुरसकून वाली रात गुजारी है। अभी नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जाएंगे बाबूसर की तरफ। हल्का फुल्का नाश्ता हो गया, अभी जा रहा है, तैयारी हो रही, पैकिंग हो रही, इंशाल्लाह बाबूसर की तरफ कूच कर जाएंगे। और ये खूबसूरत वादी को खुदा हाफिज़ कहेंगे। नारायण और कागान के दरमियान रास्ता बहुत ही ख़राब है, डिवर्शन है, तरक्याती काम जारी है। अभी नारायण के करीब ही है। पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि सामने की जेब में आपकी बाइक को जैसे झटका लगता है तो जेब से मोबाइल नीचे गिर जाता है। पिछले साल इसी पानी में मेरा मोबाइल गिरा था, फिर दोबारा नहीं मिला, तो एहतियात से जाएंगे इस दफ़ा। Thank you.
चलो यहाँ से नारायण के नज़ारे स्टार्ट हो जाते हैं। नारायण बहुत ही खूबसूरत वादी है। राइट एंड पे एक रास्ता बाईपास है, नारायण का बाईपास। अगर आपने बाज़ार से नहीं गुजरना है तो इस रास्ते से गुजर सकते हो। और जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ ये सीधा नारायण बाज़ार की तरफ जा रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नारायण बाज़ार में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। कहे कि मसाला यहाँ पे अब ट्रैफिक जाम जाम होता है। बरून बंद हुए राजा राजा किसान है वो। सलाम अलैक भाई, अब सर खुला है? बंद है। बंद है, मुकम्मल बड़वाई तो खुला है, मुकम्मल बंद है, खुलने का इरादा नहीं है। बर्फ है, बाबू सर बंद है, सर बड़वो इतला है। सो बड़वो हो चल सर, तो जेल रहे मत दा समझ ले आगा चमक से दे चल कर दा ना के सफा जी बस सही स्टाइल है। ओ हो द
درځي هلته مخته درار راځه तो कहानी कुछ इस तरह से गए जैसे आप लोगों ने सुना। बाबूसार का रास्ता बंद है बड़ोई के मकाम पर। अभी आगे जाएंगे बड़ोई तक भी बहुत ही खूबसूरत इलाके है, उसी को एंजॉय करते हैं, फिर इंशाल्लाह वापसी होगी। ये इधर है कुनहार है, यहाँ पे राफ्टिंग होती है और ज़िप लाइन भी है, ज़िप लाइन से भी आप एंजॉय कर सकते हो। नारायण बहुत ही खूबसूरत वादी है, मगर यहाँ पे एक ही मसला है रिहाइश का। तकरीबन 2000 से लेकर फिर 5-6-7000 तक भी कमरा है, हमारे जैसे टूरिस्ट के लिए बहुत ही महंगा है। अपना कैंप अपने साथ लिया और टेंट वगैरह तो बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ से आप लोगों को बर्फ़ के नज़ारे भी मिलेंगे, बहुत ही बड़े बड़े पहाड़नुमा
बर्फ़ आपको यहाँ मिलेगी। एक खूबसूरत आबशार, मगर नाम मालूम नहीं है क्या है। जैसे आप लोगों को पहले भी बताया है, नारायण वादी बहुत ही ख़ूबसूरत है। यहाँ पे हर जगह खूबसूरती बिखरी हुई है, जगह जगह पर आप लोगों को ऐसे खूबसूरत दरख्त मिलेंगे। 5 साल पहले ये रोड बहुत ही अच्छा होता था, मगर अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, इसी वजह से जगह जगह पर ऑफ रोडिंग आप लोगों को मिलेगी। अगर यहाँ पे धूप हो तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होता है, धूप ना हो तो बहुत सर्दी है। गर्म कपड़े वगैरह अपने साथ लाना ज़रूरी है। अगर हमारी ये कोशिश थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी बहुत खूबसूरत इलाके हैं। वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।